মামৰা বিধানসভা সমষ্টি খুমটাই গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বানুৱাৰী লাল ভাৰ্মা। চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে খুমটাই গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত হয় বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি বুজ লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া খুমটাইত উপস্থিত হয় জল জীৱন মিছন আঁচনি PMGSY আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা খুমটাই চাহ বাগিচাৰ পৰা নলনী বাম পথ, খুমটাই গাঁও পঞ্চায়তত অৱস্থিত PMG ক্লষ্টাৰ কলনী আৰু ৰাজেশ কুমাৰ কোচবাহাৰৰ সুলভ মূল্যৰ দোকান পৰিদৰ্শন কৰি বিভিন্নজনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। খুমটাই গাঁও পঞ্চায়তত অৱস্থিত PMG ক্লষ্টাৰ কলনীত বসবাস কৰা 43টা পৰিয়ালৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে গছপুলি ৰোপণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীজনৰ সৈতে পৰিদৰ্শনৰ সময়ত উপস্থিত থাকে APGCLৰ অধ্যক্ষ অনুপ সিং ৰাজপুৰোহিত, চৰাইদেউ জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আদি। আজ ভাৰত চৰকাৰ ৰাজমন্ত্ৰী হোৱাৰ কে নাতে মই আপকে ডিষ্ট্ৰিক্ট চৰাই দেম আয়া হওঁ আৰু সুবাহে হি আংগনবাড়ী হো, প্ৰাইমেৰী স্কুল হো, ডিষ্ট্ৰিক্ট কি ডেভেলপমেণ্ট কি সমীক্ষা বৈঠক হো ইয়া লগাতাৰ ইছ প্ৰকাৰ কে কাৰ্যক্ৰম ৰহে হে আৰু কল তক ৱো কাৰ্যক্ৰম ৰে চলতে ৰহনা হে। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर पूरे देश का एक एक नागरिक का विकास हो और सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी केवल कहते नहीं है करके दिखाया है। तब आज मैं आते आते यहाँ पर अंधेरा हो गया है लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर साफ सुथरा ये प्रांगण और इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत इतना सुंदर सा जो यहाँ पर 50,000 स्टोरेज का यहाँ टैंक रख करके और यहाँ पर बहुत स्वच्छ पानी पीने के लिए हर घर नल से जल माने प्रधानमंत्री की योजना है वो चरितार्थ होती दिख रही है। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे निर्धन लोग, ऐसे जिनके पास अपने मकान नहीं थे, जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी, मेहनत मजदूरी करते थे, चाहे बागान में काम करते थे, उन लोगों के लिए 53 ऐसे आवास फैमिली को बसाने का रहने का काम किया है। यहाँ पर इनके लिए स्वच्छ हवा, साफ पानी का पीने का पानी और साथ में सुंदर से पौधे लगा करके इनको ऐसा वातावरण दिया है। तो मैं कह सकता हूँ एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी जो आह्वान कर रहे हैं वो भी मैंने लगाने का काम किया है। यहाँ पर हमारी एडिशनल जो है यहाँ की DC और VDO सभी अधिकारी साथ में हैं और पूरी तरह से हम आपके डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए चिंतित हैं और ये दोनों सरकार मिलकर के, आसाम सरकार या भारत सरकार मिलकर के आपके जिले का, आपके आसाम का, पूरे नॉर्थ ईस्ट का जैसे और विकास हो। और क्योंकि इससे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर था, यहाँ पर राज्यमंत्री था, तो मैंने 8 स्टेट में जिस तरह से देखा है माने प्रधानमंत्री जी 10% पैसा सारे मंत्रालयों का यानी 54 मंत्रालय का पैसा लेकर के यहाँ पर कंपलसरी किया है GBS के माध्यम से। उससे हमारे नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे हो और सभी 8 स्टेट विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। Thank you.